मुल्तान सुल्तान्स के हार्ड हिटिंग बैट्समैन सोए मकसूद और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर हसन अली, दोनों की पिच के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। मगर सबसे पहले आप कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा, क्या सोए मकसूद को पाकिस्तानी टीम में एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन या एज ए फिनिशर शामिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस PSL सीज़न के अंदर सबसे कामयाब तीन बैट्समैन रहे हैं ये मिडल ऑर्डर के अंदर या लोअर ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे ये मैच जो कि फर्स्ट प्लेऑफ मैच जारी था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, जहाँ शानदार बैटिंग कर रहे थे सोए मकसूद जो कि 47 पे थे, उन्होंने छक्का लगाया हसन अली को और अपनी 50 कंप्लीट की और ये इनकी शानदार 50 थी जहाँ टीम को लीड किया इन्होंने। वहीं हसन अली जो कि जज्बाती इंसान है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, वो अजीबोगरीब किस्म की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, वो इनका ऐसा ही स्टाइल है। आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि हसन अली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और ड्रामेबाजियाँ और डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं हर जगह। सो एक दफ़ा फिर उन्होंने ऐसे ही किया सोए मकसूद के साथ। सोए मकसूद कूल काम है, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया इनकी इन एक्टिविटीज़ का। सो आपने लाजमी बताना क्या ये पाकिस्तानी टीम में शामिल होने चाहिए नहीं।